नमस्कार। आज का मेरे इस वीडियो में खास है पासवर्ड रिलेटेड। अगर आपका मशीन पासवर्ड लॉक हो चुका है या पासवर्ड आप भूल चुके हैं या किसी ने पासवर्ड लेके कुछ कर रहा था, छेड़छाड़ करते हुए पासवर्ड लॉक हो चुका है, मशीन में पासवर्ड दे चुका है किसी ने, गलती से पासवर्ड हो चुका है, जो भी हो पासवर्ड लॉक हो चुका है आपका मशीन, तो आपका घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मशीन फिर से आप मशीन को अन कर भी पाएंगे और फोटोकॉपी भी कर पाएंगे, इंस्टेंटली कर पाएंगे। यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे तब भी आप उस पासवर्ड को भी रिकवरी भी कर पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत जल्द आपका ये जो प्रॉब्लम जो होगा आप सबका, तो ये प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन भी हो जाएगा इसी वीडियो से। तो जैसे कि अगर कोई किसी ने पासवर्ड डाल दिया है या पासवर्ड भूल चुके हैं, तो कैसे क्या करने से आप उस पासवर्ड को रिकवरी करेंगे, उसी पासवर्ड को फिर यूज़ भी कर पाएंगे या उस पासवर्ड को हटा भी सकते हैं या आईडी को हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका मशीन लॉक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वीडियो से आपका वो लॉक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को पूरा वीडियो दिखाएंगे, जिस वीडियो से आपका पासवर्ड रिलेटेड जितना कुछ प्रॉब्लम होता है इस मशीन का, सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगा इसी वीडियो से। अगर आपका मशीन लॉक हो चुका है या पासवर्ड भूल चुके हैं या किसी ने पासवर्ड दे दिया है उसका याद नहीं है या वो बाहर चला गया है कहीं पे, तो आपका पासवर्ड कैसे आप रिकवरी कर पाएंगे, इसी वीडियो से आप रिकवरी भी कर पाएंगे और फोटोकॉपी भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट फोटोकॉपी सब कुछ कर पाएंगे। और एक बात हम बोल दें, जो अंदरूनी पासवर्ड है वो भी आप रिकवरी कर पाएंगे। जो लिमिट पासवर्ड दे के रखा जाता है, पेज को जो लिमिट की दिया जाता है प्रिंट का, जो आपका पेज सेटिंग किया गया है जिससे कि आप 500 कॉपी, 200 कॉपी, 100 कॉपी, 50 कॉपी, जितना कॉपी लिमिट जो दिया हुआ है उसका भी रिकवरी हो जाएगा, सारे कुछ रिकवरी होगा। यहाँ पे आपका कोई भी समस्या नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारे प्रॉब्लम का सलूशन इसी वीडियो से पासवर्ड रिलेटेड जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फोटोकॉपियर मशीन में चल के भी करके दिखाते हैं, जिससे कि आपका इस जानकारी मिल के बहुत फ़ायदा हो। तो चलिए हम आपको वो फोटोकॉपियर मशीन में चल के सब कुछ दिखाते हैं। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन में चलते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है पासवर्ड लॉक। आपका मशीन में अगर पासवर्ड लॉक है तो लॉक को कैसे याद करें, अगर याद नहीं होता है तो पासवर्ड को कैसे रिकवरी करें, या मशीन को कैसे ऑन करें, फिर काम भी करें, कैसे फोटोकॉपी करें, वो भी आप आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे पासवर्ड, यहाँ पे अभी दिया हुआ नहीं है। हम गलती से अगर कोई भी पासवर्ड किसी ने डाल देता है तो आप पासवर्ड को भी याद भी कर पाएंगे, कहाँ कैसे क्या पासवर्ड डाला हुआ था, क्या आईडी था, सब कुछ आप देख पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आएगा, पासवर्ड कोई भी कुछ भी डाला हुआ हो आप उस पासवर्ड को रिकवरी भी कर पाएंगे और उस पासवर्ड को यूज़ भी कर पाएंगे। तो पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोटोकॉपी कंटिन्यू चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ भी एक पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे पासवर्ड डालना पड़ता है, जैसे रजिस्टर करना है, तो उसी हिसाब से पहले रजिस्टर कुछ भी आप कर लीजिए। यहाँ पर रजिस्टर है और कुछ भी आप उल्टा वाला जो भी हो कुछ डाल दिया पासवर्ड, यहाँ पे हम याद नहीं रखे कुछ भी, हम पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद हम ओके किया, डन किया, ओके किया और डन किया, डन किया, ठीक है, यहाँ पासवर्ड डाला हुआ है। अब मुझे याद नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए कुछ भी हम टाइप कर दिया है जिससे मेरे भी याद नहीं है अभी रनिंग वीडियो में भी, तो इसीलिए हम दिखाया जिससे कि आपको भी अगर याद नहीं रहता है या कोई भी गलती से पासवर्ड डाल दिया या जिसने पासवर्ड जानता है या आईडी जानता है वो उस शॉप में नहीं है या घर में नहीं है जिसके साथ आप कांटेक्ट कर नहीं पा रहे, तो आपका यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फोटोकॉपियर मशीन में आप पासवर्ड भी रिकवरी कर पाएंगे और फोटोकॉपी भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा,
जिससे आपको समझ में आएगा तो पासवर्ड कैसे रिकवरी होगा और कैसे कुछ किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा अच्छा करके देखिए तो आपको समझ में आएगा पासवर्ड कैसे रिकवरी होगा। यहाँ पे कुछ पासवर्ड मेरे को मालूम नहीं, मैं भूल चुका हूँ। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन को फिर देखिए ऑन करते हैं तो पासवर्ड मांग रहा है, हमको याद नहीं है। हम कुछ भी अगर प्रेस करते हैं, पासवर्ड भी देते हैं तो अगर ऑन करते हैं तो ऑन होता नहीं। मैं भूल चुका हूँ, मैं कुछ भी टाइप किया है जिसके मुझे मालूम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको घबराने की कुछ बात नहीं है, आप यहाँ पे पासवर्ड रिकवरी भी कर पाएंगे। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन को कैसे हम यूज़ करें, कैसे हम वो देख पाए, रिकवरी भी कर पाए, चलिए पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे हम करते हैं। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सेट एडिशनल फंक्शन में प्रेस करना है और 2817 और एडिशनल फंक्शन, और एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए एडिशनल फंक्शन 1728 फिर एडिशनल फंक्शन देने के बाद जो कॉपियर आए हैं या कॉपियर में प्रेस कीजिए, करने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन है फंक्शन में प्रेस कीजिए, करने के बाद जो क्लियर है इस क्लियर में प्रेस करिए, करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है PWD क्लियर, ये PW क्लियर को आप टच दीजिए, देने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके किया करने के बाद अब मशीन को कुछ नहीं करना है, मशीन को सिर्फ आप सीधे जो राइट साइड में जो स्विच होता है मशीन का, जो मेन स्विच होता है, स्विच को सीधा आप डायरेक्टली ऑफ कर दीजिए। डायरेक्ट ऑफ करने के बाद फिर ऑन भी करिए, ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे मशीन ऑटोमेटिक ऑन होगा। ऑन होने के बाद देखिए आप समझ में आएगा यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रहेगा। आप देखिए मशीन ऑन होने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम ही से ये मशीन ऑन भी हो जाएगा। देख लीजिए डायरेक्टली आपको हम दिखा रहे हैं, कहीं भी काट नहीं करेंगे जिससे कि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। तो देखिए यहाँ पे मशीन ऑन हो रहा है, नॉर्मल टाइम में ऑन होगा। ऑन होने के बाद मशीन बिल्कुल रेडी दिखाएगा, देख लीजिए आपको डायरेक्टली देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ पासवर्ड नहीं है। देखिए यहाँ ऑफ किया, ऑफ करने के बाद फिर ऑन भी करके दिखाते हैं जिससे कि आपको यहाँ कोई पासवर्ड नहीं दिखा रहा है। अब आपको दिखाना है हमें कि यहाँ पासवर्ड क्या था या आईडी भी और क्या था, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एडिशनल फंक्शन को प्रेस कीजिए, करने के बाद जो सिस्टम है सिस्टम सेटिंग में जाइए, जाने के बाद ये जो आईडी है डिपार्टमेंट आईडी, उस आईडी में जाने के बाद यहाँ ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद रजिस्टर में जाइए, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई देगा क्या मैंने प्रेस किया था, 5427054 0540120 ये पासवर्ड है, ये था पुराना। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करने के लिए तो आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए उस आईडी पासवर्ड को हम रिकवरी कर लिया है, देखिए दिखा देते हैं आपको। ये रजिस्टर है, इसको जो था पहले उसी को फिर से हम उसको सेव कर देते हैं। तो देखिए वो आईडी पासवर्ड फिर से काम करने लगा है। तो आप अगर ऐसा होता है, अगर आपका आईडी पासवर्ड मालूम नहीं होता है तो आप उसको आईडी पासवर्ड इसी तरह देख लीजिएगा, देखने के बाद फिर से आप उसी आईडी पासवर्ड जो पहले था उसी आईडी पासवर्ड को फिर से अगर आप टाइप करते हैं तो आपका वो काम हो जाएगा। देखिए आपको याद से भरना होगा, जो आईडी होता है उसी आईडी को प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। पहले जो था उसी हिसाब से आपको वो आईडी पासवर्ड डालना होगा। 126 यहाँ गलत दिया, 5481 26। तो देखिए खुल चुका है। इसी तरह आप आईडी पासवर्ड को रिकवरी करके उसी आईडी पासवर्ड को ऑन करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फिर हम इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं
तो देखिए फिर आईडी पासवर्ड रहेगा। तो आप इसको क्लियर भी करके यूज़ कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, अगर याद करना चाहते हैं उसी आईडी पासवर्ड को सेट करके भी रखना चाहते हैं तो आप उसी आईडी पासवर्ड को सेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको अंदर जाकर सेटिंग में जाकर उसी तरह आपको देख लेना होगा, देखकर आप उसी सेटिंग को वापस रख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह किया जाता है। फिर से आप आपको दिखा देते हैं, देखिए मैंने जो आईडी दिया हुआ था 5427854 आईडी है, और पासवर्ड जो था पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ था 548126, और यहाँ पे प्रेस कीजिए तो आपका वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह नया नया वीडियो डालते रहूँगा। अगर और कुछ जानकारी आपको चाहते हैं कुछ तो आप लिख भीजिए कमेंट बॉक्स में, हम जरूर इसको बारे में वीडियो बना के आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।